अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, तो ये बुक लिखी है स्टैनली वोल्पर्ट साहब ने। स्टैनली वोल्पर्ट साहब जो हैं, उनकी मैंने एक और बुक भी रिव्यू किया, जिना ऑफ पाकिस्तान, जो उनका सबसे बड़ा एक काम है। उन्होंने नेहरू की बायोग्राफी भी लिखी हुई है, वो भी मैं किसी दिन रिव्यू करूँगा। लेकिन ये जो किताब है, ये पीपीपी के जियालों के दिल के बहुत ही करीब होनी चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी, इंग्लिश में। हमारे यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वालों का बहुत मसला है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिव्यू करूँ कि आखिर इस किताब में बात क्या हुई है और भुट्टो साहब की ज़िंदगी के कौन से पहलू हैं जिन पर गौर किया गया और कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको छुपाया गया है या जिन पर कम बात की गई है। तो भुट्टो साहब की बायोग्राफी विदाउट द पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश, विदाउट हिम बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर, विदाउट हिम गोइंग आउटसाइड बाहर मुल्क में पढ़ाई करने के, ये सब चीज़ों के बगैर जुल्फी भुट्टो साहब यानी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के अलावा ये सब बातें किए बगैर उनकी बायोग्राफी पूरी नहीं हो सकती। और स्टैनली वोल्पर्ट साहब ने पूरी कोशिश की है कि वो इनकी ज़िंदगी के जो मेजर चंक्स हैं, पर्सनल लाइफ उन्होंने इतनी कवर नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कोशिश की कि इतना बता दें कि वो आखिर गए गए कहाँ, उनका दिमाग किस पैटर्न पे सोचता था, वो सोशलिस्ट थे तो किस तरह सोशलिस्ट थे, पॉपुलिस्ट थे। उनकी स्पीचेस को बहुत ज़्यादा कोट किया है, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं जो सिर्फ जुल्फी भुट्टो साहब की या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की स्पीचेस से भरे हुए हैं। तो ये किताब आपको अगर जुल्फिकार अली भुट्टो की स्पीचेस पढ़नी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें बहुत लंबी लंबी उनकी स्पीचेस वर्ड बाय वर्ड कोट की गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुल्फी भुट्टो साहब के जो रिश्तेदार और एसोसिएट्स और बहुत सारे लोग हैं, वंस अगेन स्टैनली वोल्पर्ट साहब ने उनसे बात की। ये उनकी एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे स्टैनली वोल्पर्ट की, कि जब वो किसी की बायोग्राफी लिखते हैं, किसी के बारे में लिखते हैं, तो उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्तों, जान पहचान वालों से बात ज़रूर करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक पर्सनालिटी के वो पहलू पता लगते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की आम जब बात करें, उनकी पर्सनालिटी के वो पहलू पता चलते हैं जो आपको जनरली एक हिस्ट्री का टीचर या कोई भी नहीं बता सकता। हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है तो उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि जी इस साल ये हुआ, ये हुआ, डेट्स पे बहुत फोकस होता है, इवेंट्स पे बहुत फोकस होता है। लेकिन ये जो है एक पर्सनल अकाउंट है, उनकी बायोग्राफी है, तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत छुपी ढकी होती हैं। और स्टैनली वोल्पर्ट साहब की अगेन काम की जो है बहुत तारीफ करता हूँ मैं, बहुत अच्छे बायोग्राफी लिखते हैं। नेहरू वाली बायोग्राफी जब मैं करूँगा आपको पता लगेगा नेहरू साहब कैसे थे, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो ज़िंदगी है उसके बारे में स्टैनली वोल्पर्ट साहब क्या कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो जी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो बहुत कम लीडर्स हैं दुनिया में जिनकी ज़िंदगी भी बहुत कोई अजीम गुजरी हो और फिर जिनकी मौत जो है वो भी बहुत अजीम किस्म की हुई हो या बहुत ही अजीब से मामलात में हुई हो। तो फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज इन एनिग्मा। वो बंदा जो है उनका सबसे मशहूर जो चीज़ है जो हमारे यहाँ पे फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपको बहुत देखने को मिलती है, जब भी उनकी बरसी आती है, उनकी बर्थडे आती है, उनके बारे में बात हो रही थी, वो उनकी स्पीच है यूएन की, जहाँ पे वो पेपर वेपर फाड़ के भाई माई कंट्री नीड्स मी बोल के और उठ के चले जाते हैं। तो ये जो एक जुल्फी भुट्टो साहब या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का पहलू है, ये पाकिस्तानियों को इंतहा से ज़्यादा पसंद था, एंड दैट इज़ वॉट स्टैनली वोल्पर्ट इज़ टॉकिंग अबाउट इन द बुक। ज़्यादातर वो यही पहलू देख रहे हैं कि वो इतने नडर क्यों थे। वो ये बताते हैं कि भाई वो यूसी में पढ़े, यूसली उसके अलावा वो बाहर से ही ज़्यादातर तालीम हासिल की, यूएससी में पढ़े, फिर यूसी बर्कली में गए, फिर उसके बाद उन्होंने ऑक्सफर्ड से तालीम हासिल की। और जब वो इतना ज़्यादा बाहर रहे और पढ़े तो उन्हें काफ़ी इनलाइटेंड ख्यालात का मालिक बन गए। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि उनका जो फ्यूडलिस्टिक बैकग्राउंड था, यानी वो जो वडेरा वाला बैकग्राउंड था उनका, अलीगुल पीर का शायद गाना भी वडेरे का बच्चा आपने सुना हुआ होगा, उनका जो फ्यूडलिस्टिक बैकग्राउंड था, एक वो चीज़ ले लें और दूसरा फिर उनकी फॉरेन एजुकेशन इनलाइटनमेंट ले लें, इन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो एक बड़ा अजीब सा मिक्सचर बनता है। ये जो स्टैनली वोल्पर्ट है वो इस किताब में यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को जुल्फिकार अली भुट्टो की पर्सनैलिटी से मैच करने की कोशिश करते हैं, कि जिस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री है बहुत रिच है, हम लड़े अंग्रेज़ों से, इंडिया से लड़े, पाकिस्तान हासिल किया, फिर पाकिस्तान टूटा, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, इसी तरह वो कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो की पर्सनैलिटी भी जो है वो पाकिस्तान की तरह है, अजीब सी है, कन्फ्यूजिंग है, एट टाइम्स बहुत मैग्निफिसेंट है, बहुत बड़ी है, बहुत ग्रैंड है, लेकिन एट टाइम्स इतनी छोटी छोटी बातों पे जो है बहुत सारे मसाइल उनके दिख जाते हैं। तो इसमें ये भी बात की गई कि किस तरह जो है जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं वो बड़े अच्छे लीडर बन जाते हैं। ये बताया गया कि उनकी जो इग्नोमिनियस डेथ थी वो ना होती अगर वो अपना जो वडेरेपन वाला सियासत वाला पहलू था उसको बाहर रखते और सिर्फ जो वेस्टर्न फिलोसफी जिस पे वो चलते थे, सोशलिज्म पे,
कि अवाम की भलाई हो, हर चीज़ अवाम तक पहुँचे, आखिर एक एक रुपया अवाम तक पहुँचे। वो जो उनकी एक सोशलिज्म की पॉलिसी थी, पॉपुलिस्ट पॉलिसी थी, कि जी अवाम से जब वो बात करते थे, खिताब करते थे, तो लगता था कि यार कोई बोल रहा और सुनने का दिल करता था, और लोग बगैर पैसे और बगैर बिरयानियों के जो है आके उनको सुनना चाहते थे। तो वो इस उनके पहलू के बारे में बात करते हैं कि ये जो उनका पहलू था, अगर वो इस पे कायम रहते या इसको पकड़ के चलते, तो मे बी ही वुड हैव बीन अलाइव आज भी, मे बी उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो शायद पाकिस्तान को आज कहीं और ले जाती, बट उनकी जो पर्सनैलिटी में वडेरेपन का पहलू था वो उनको ले डूबा। और फिर वो आगे चलते हैं, बताते हैं कि किस तरह 1965 की वॉर में उनका फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे क्या रोल रहा। फिर ये भी वो बताते हैं कि 1977 में जब कू हुआ जनरल ज़ियाउल-हक़ का, है उन्होंने किस तरह एक मेकशिफ्ट किस्म का, एक नकली किस्म का उनके खिलाफ मर्डर का केस बनाया, फिर उनकी डेथ हुई, उनको फांसी पे लटकाया गया। फिर वो आगे चल के थोड़ा सा उनके बच्चों के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद साहब की पॉपुलर जो पॉपुलैरिटी थी उसको कैश इन किया, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, एक दफ़ा नहीं दो दो दफ़ा। तो ये सारी बातें वो करते हैं। किताब में जो सबसे फ़नी बात मुझे लगती है, किताब में फ़नी बात ये है कि कहीं भी, जैसे आप अगर पाकिस्तान में देखें तो एक ये कॉमन सी बात है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं उनकी डेथ गलत हुई थी, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। और किताब में भी कुछ हद तक स्टैनली वोल्पर्ट साहब कहते हैं कि नहीं जी झूठे इल्ज़ाम थे, सही कह रहे हैं, लेकिन आपको किताब में कहीं भी ये नहीं नज़र आता। मतलब बहुत ऑब्जेक्टिव, इतनी ऑब्जेक्टिव किताब है, मतलब आपको अगर आपको भुट्टो साहब की बुराई करनी है कि भुट्टो जिंदा है, जो आजकल जोक चल रहा है कि हर जगह भुट्टो जिंदा है, और या फिर आप फ़ैन हैं बहुत बड़े भुट्टो के, दोनों मामलों में ये किताब आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि स्टैनली वोल्पर्ट साहब ये कह रहे हैं कि उनको सही फांसी पे लटकाया गया, और कहीं ये भी नहीं कहते कि जी गलत लटकाया गया। तो इतना बैलेंस करना एक किताब को बहुत मुश्किल होता है। तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की एक बायोग्राफी है, आप ज़रूर पढ़ें, इसमें आपको और भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। उनकी पर्सनैलिटी के अलावा आपको बहुत से जो पाकिस्तान की हिस्ट्री इंडिपेंडेंस के बाद रही है उसमें बहुत से ऐसे एनेक्डोट्स मिलेंगे जो आपको शायद वैसे कहीं सुनने को ना मिलें, क्योंकि हम लोग जो हैं वो हम तो बस जो फेसबुक पे आगे व्हाट्सएप पे आगे देख लेते हैं, बस कहते हैं यही सच है, लेकिन इस किताब में उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको नॉर्मली यहाँ वहाँ नहीं मिलते। तो ये किताब ज़रूर पढ़ें, कोशिश करें कि सुकून से टाइम निकाल के पढ़ें, और अगर आपको नहीं टाइम मिला तो ये बुक रिव्यू आपने देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि उसमें मेन जो आपका एक पॉइंट है कि किस तरह उनका वडेरापन और उनका जो वेस्टर्न एनलाइटेंड एजुकेशन थी वो टकराए, और जुल्फी भुट्टो साहब जितने बड़े एग्निग्मैटिक लीडर थे वो किस तरह उनका फॉल हुआ, ये इस किताब का मेन प्रेमिस है, इनकी बायोग्राफी का, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का मेन प्रेमिस है। तो ये किताब ज़रूर पढ़ें, और किताबें वैसे ही पढ़ते रहें, कोई भी किताब मिल जाए, बाय ठेले पे आजकल 200-200 रुपए के नॉवल्स मिलते हैं, फिक्शन भी पढ़ें, नॉन फिक्शन भी पढ़ें, हर तरह की किताब पढ़ें, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।